एग्जाम्पल नंबर थ्री लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिटी फोर एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स की थ्री डिवाइडेड बाई थ्री एक्स की फाइव प्लस टू एक्स की टू प्लस वन एक्स की लिमिट माइनस इन्फिटी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं पुट करने के बाद सिम्प्लीफाई जब करते हैं तो इन्फिटी ओवर इन्फिटी हासिल होता है इस बात का सबूत है कि जब एक्स की लिमिट माइनस इन्फिटी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो फंक्शन की लिमिट हासिल नहीं होती तो फंक्शन की लिमिट हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे एक अलजा एक टेक्निक लगाएंगे जो मैंने अभी पिछले प्रॉब्लम में बताई थी कि डिनोमिनेटर में एक्स की सबसे बड़ी पावर फाइव है तो इसलिए डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय माइनस एक्स की पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर फाइव माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो अगर x पॉजिटिव होता तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिखते चूंकि x नेगेटिव है तो इसलिए माइनस एक्स की पावर फाइव विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स की पावर फाइव तो इसलिए इस प्रेक्शन के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से को दोनों को माइनस एक्स की पावर फाइव पर डिवाइड करना है इसलिए हम ऊपर भी डिवाइड करते हैं माइनस एक्स की पावर फाइव पर और नीचे भी डिवाइड करते हैं माइनस एक्स की पावर फाइव पर उसके बाद आपने फ्रैक्शन को अलग अलग कर दे रहे हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचिज टू माइनस इन्फिनिटी फोर एक्स की फोर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स की फाइव माइनस फाइव एक्स की थ्री डिवाइडेड बाई माइनस एक्स की पावर फाइव फिर ओवर थ्री एक्स की फाइव डिवाइडेड बाई माइनस एक्स की फाइव प्लस टू एक्स की टू डिवाइड बाई माइनस एक्स की पावर फाइव प्लस वन ओवर माइनस एक्स की पावर फाइव अब x की फोर को x की फाइव से x की थ्री को x की फाइव से x की फाइव को x की फाइव से x की टू को x की फाइव से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल आउट होने के बाद जो बाकी रिजल्ट में अगले स्टेप में यूँ लिखूँगा लिमिट x अप्रोच टू माइनस इनफिनिटी, माइनस फोर ओवर x, माइनस माइनस प्लस फाइव ओवर x की टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री माइनस टू ओवर x की थ्री माइनस वन ओवर x की फाइव अब आप लिमिट पुट करेंगे लिमिट पुट करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा माइनस माइनस प्लस फोर ओवर इन्फिनिटी प्लस स्केयर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा फाइव ओवर इन्फिटी की टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री माइनस माइनस यहाँ पर प्लस टू ओवर इन्फिटी की थ्री प्लस वन ओवर इन्फिनिटी की फाइव फोर ओवर इंफिनिटी फाइव ओवर इन्फिनिटी टू ओवर इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी जीरो होते हैं तो अगले स्टेप में लिखेंगे जीरो प्लस जीरो डिवाइडेड बाई माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस जीरो ऊपर रह जाएगा जीरो और नीचे रह जाएगा माइनस थ्री जीरो को माइनस थ्री पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा तो इस तरह टेक्निक अप्लाई करने के बाद फंक्शन की लिमिट जीरो हासिल हुई अब एग्जांपल नंबर फोर पार्ट सेकंड लिमिट एक्स अप्रोचेस तो टू इंफिनिटी टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर एक्स की टू का होल स्केर रूट x की लिमिट इन्फिनिटी इस फंक्शन में पुट करेंगे तो टू माइनस थ्री इंटू इन्फिटी तो ये पूरा रिजल्ट इन्फिनिटी बन जाएगा डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर इन्फिनिटी की टू का होल के रूट तो ये भी इन्फिटी के बराबर आ गया जब x की लिमिट इन्फिनिटी फंक्शन के अंदर पुट किया तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिटी हासिल हुआ है चूंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट हासिल नहीं हुई तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम टेक्निक लगाते हैं टेक्निक गुजशत दो क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ी है कि डिनोमिनेटर में एक्स की सबसे बड़ी पावर एक्स की टू है लेकिन इस x की टू के साथ स्केयर रूट भी है तो इसलिए डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी पावर है वो है x की टू का स्केयर रूट तो x की टू का स्केयर रूट इस पर आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी फंक्शन के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में डिवाइड कर देना है तो डिवाइड अप एंड डाउन बाई एक्स की टू का स्केयर रूट आप जानते हैं कि x के x की टू का जो उसके रूट होता है इसे x मॉड भी कह देते हैं और मॉड की तारीफ है कि x का मॉड तो माइनस एक्स भी होता है लेकिन कब जब x नेगेटिव हो चूंकि लिमिट है x अप्रोच टू इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी तो इट मीन x एक पॉजिटिव नंबर है x एक पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए x का मॉड x के ही बराबर होगा तो सो वे डिवाइड अप एंड डाउन बाई x इसलिए हम ऊपर भी x पर डिवाइड करते हैं नीचे भी x पर डिवाइड करते हैं अगले स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ओवर थ्री प्लस फोर एक्स की टू डिवाइडेड बाई एक्स को हम चूंकि एक्स की टू का स्केयर रूट लिख सकते हैं तो इसलिए एक्स को हमने एक्स की टू का स्केयर रूट बना दिया इसके बाद टू का होल स्केर रूट एक्स एक्स कैंसल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ओवर एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ओवर एक्स की टू प्लस फोर का होल स्केयर रूट तो ये सिंप्लीफिकेशन का अमल हो गया अब आप लिमिट पुट करेंगे टू ओवर इन्फिटी माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ओवर इन्फिटी का स्केयर प्लस फोर का होल स्केयर रूट टू ओवर इन्फिनिटी जीरो जीरो माइनस थ्री डिवाइडेड बाई जीरो प्लस फोर का होल स्केयर रूट ऊपर कीमत रह जाएगी माइनस थ्री और नीचे कीमत आ रह जाएगी फोर का स्केयर रूट जो कि टू के बराबर है तो लिहाजा इस क्वेश्चन में फंक्शन की जो लिमिट है वो माइनस थ्री ओवर टू हासिल हुई अब अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर एक्स की टू एक्स की लिमिट माइनस इन्फिनिटी यहां पर पुट करेंगे टू माइनस थ्री इन टू माइनस इंफिनिटी तो ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर इनफिनिटी बन जाएगा और नीचे थ्री प्लस फोर माइनस इनफिनिटी का स्केयर और होल स्केयर रूट तो नीचे भी इनफिनिटी बन जाएगा तो जब इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी आ जाए तो फंक्शन के लिमिट हासिल करने के लिए हम टेक्निक लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में x की सबसे बड़ी पावर x की टू है लेकिन देखें x की टू के साथ स्केयर रूट भी नजर आ रहा है तो इसलिए डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर एक्स की टू का स्केयर रूट है तो इसलिए यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाई एक्स की टू का स्केयर रूट एक्स की टू के स्केयर रूट को हम एक्स का मॉड भी कहते हैं एक्स का मॉड

वाला हिस्सा जिसे न्यूमेरेटर नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है तो ऊपर और नीचे -x पर डिवाइड करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू तो -इनफिनिटी टू -3 एक्स डिवाइडेड बाय -एक्स ओवर थ्री प्लस फोर एक्स की टू का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई माइनस एक्स आप जानते देंगे ये माइनस एक्स बराबर है एक्स की टू का स्केयर रूट तो माइनस एक्स की जगह पर एक्स की टू का स्केयर रूट बना दिया अब उसके बाद आपने फ्रैक्शन को अलहदा अलग कर देना है लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी टू ओवर माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स ओवर माइनस एक्स और यहाँ पर थ्री ओवर एक्स की टू प्लस फोर एक्स की टू ओवर एक्स की टू का होल स्केयर रूट सिंप्लीफिकेशन के बाद अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफिनिटी माइनस टू ओवर एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ओवर एक्स की टू प्लस फोर का होल स्केयर रूट अब आप लिमिट पुट कर देंगे एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफिनिटी तो माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ओवर माइनस इन्फिनिटी का स्केयर प्लस फोर का होल स्केयर रूट माइनस से माइनस कैंसिल टू ओवर इन्फिनिटी जीरो जीरो प्लस थ्री थ्री ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर ये भी जीरो तो जीरो प्लस फोर ऊपर वाले हिस्से में थ्री नीचे वाले हिस्से में जीरो प्लस फोर का स्क्वायर रूट टू के बराबर आ गया तो लिहाजा जब एक्स की लिमिट माइनस वन होती है तो फंक्शन की लिमिट थ्री ओवर टू हासिल हो गई इसके बाद हमने एक थ्योरम प्रूफ करना है लिमिट एक्स अप्रोच एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन वेर एन इज़ एन इंटीजर एंड ए इज़ ग्रेटर देन जीरो अब इस क्वेश्चन में कहता है कि एन हमारे पास एक इंटीजर है आप जानते हैं कि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है इट मीन कि जो पावर एन एन एक इंटीजर है इसलिए एन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है चुना जाए ये थ्योरम दो तरीकों से प्रूफ होगा पहला प्रूफ होगा जब एन को पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे और दूसरा प्रूफ उस वक्त करेंगे जब एन हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो आइए एन को पॉजिटिव इंटीजर मानकर और नेगेटिव इंटीजर मानकर दोनों तरीक़ों से प्रूफ करते हैं केस वन सपोज एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर अब हम केस वन में प्रूफ करने लगे इसमें एन को आपने पॉजिटिव इंटीजर मानना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स की लिमिट फंक्शन के अंदर पुट कर दें ताकि फंक्शन की लिमिट हासिल हो फुट करने के बाद है ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय ए माइनस ए जीरो ओवर जीरो एक्स की लिमिट है फंक्शन के अंदर फुट करने से फंक्शन की लिमिट हासिल नहीं हुई जीरो ओवर जीरो फॉर्म हासिल हुई है तो यकीनन अब हमें अलजबरिक टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी अलजबरिक टेक्निक ये है कि हम x की पावर n माइनस ए की पावर n के फैक्टर बनाते हैं इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो आइए इसके फैक्टर बनाते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, इसके दो फैक्टर हैं पहला फैक्टर होगा माइनस ए और दूसरा फैक्टर है एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस एक्स की पावर एन माइनस थ्री इंटू ए की ए की टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए की पावर n माइनस वन तो एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, so की पावर n, तो की पावर n के फैक्टर हमने ये दो बनाए हैं इस दो फैक्टर बनाने की वजह से x माइनस और x माइनस आपस में कैंसल हो जाता है जिससे ये क्वेश्चन मुख्तसर हो जाता है और आगे जाकर फंक्शन की लिमिट भी हासिल हो सकती है लेकिन फिल वक्त सवाल पैदा हो रहा है कि ये फैक्टर कैसे बनाए गए तो आइए इसको समझने के लिए ना कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ये सिर्फ समझाने के लिए हैं सवाल का थ्योरम का पार्ट नहीं है सिर्फ आपके समझाने के लिए ए की थ्री माइनस बी की थ्री के मैं फैक्टर बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले आप थ्री को कवर कर लें थ्री को ढांप लें तो बन जाएगा ए माइनस बी तो पहली ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में पावर थ्री से जो लेस पावर है वो टू है तो इसलिए दूसरी ब्रैकेट में पहले हम लिखेंगे ए की पावर टू ए की पावर टू उसके बाद हम ए की पावर को कम करेंगे और b की पावर बढ़ा देंगे तो a की पावर टू को a की पावर वन कर दिया और a की पावर कम करने से b की पावर भी साथ आ गई यानी b हमने लिख दिया प्लस अगले स्टेप में a की पावर और कम करेंगे तो a की पावर ज़ीरो बन जाएगा ख़त्म हो जाएगा और b की पावर बढ़कर b की पावर टू बन गई तो ये फैक्टराइजेशन का एक तरीकाकार मैंने समझाया है अगले एग्जांपल में देखें a की फोर माइनस बी की फोर इसके हमने फैक्टर बनाने हैं तो सबसे पहले अब फोर को ढांपने तो बन जाएगा ए माइनस बी तो इस तरह पहली ब्रैकेट में ए माइनस बी आ गया अब दूसरी ब्रैकेट में देखें फोर से छोटी पावर लेस पावर थ्री है तो दूसरी ब्रैकेट में पहले लिखेंगे ए की थ्री फिर ए की पावर को कम करेंगे तो ए की टू और साथ हम बी लिख लेंगे फिर उससे अगले स्टेप में ए की पावर को और कम करेंगे तो ए की वन और बी की पावर को बढ़ा देंगे तो बी की टू बन जाएगा प्लस अगले स्टेप में ए की पावर वन को कम करेंगे तो ए की पावर ज़ीरो यानी वो टर्म खत्म हो जाएगी और बी की पावर बढ़कर बी की पावर थ्री बन गई अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई तो नेक्स्ट में एक और इस तरह फैक्टराइजेशन बनाकर दिखाता हूँ ए की पावर फाइव माइनस बी की पावर फाइव फाइव को आप कवर कर लें फाइव को ढांप लें तो बन जाएगा ए माइनस बी तो पहली ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी अब दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखना है तो अब ये देखें फाइव से लेस इंटीजर कौन सा है फोर तो हम दूसरी ब्रैकेट में पहली टर्म लिखेंगे ए की फोर फिर ए की पावर को कम करेंगे ए की थ्री और बी लिख देंगे फिर उस अगली टर्म में ए की पावर को कम करेंगे और बी की पावर बढ़ा देंगे तो ए की टू बी की टू बन जाएगा उससे अगली टर्म में ए की पावर तो कम करेंगे और बी की पावर बढ़ा देंगे तो ए बी की थ्री बन जाएगा उससे अगली टर्म में ए की पावर कम करेंगे और बी की पावर बढ़ा देंगे तो बी की फोर आ जाएगा तो उम्मीद है कि इन तीन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फैक्टराइजेशन का अमल कैसे हुआ है फिर भी मैं ऊपर वाल उसको बताता हूं कि x की पावर n माइनस ए की पावर n के फैक्टर बनाने तो आप n को ढांप दें तो क्या बन जाएगा x माइनस ए तो पहली ब्रैकेट में x माइनस ए आ गया अगली ब्रैकेट में क्या लिखना है n से छोटा इंटीजर कौन सा होता है एन माइनस वन तो पहले हम लिखेंगे एक्स की पावर एन माइनस वन फिर प्लस अब हमने एक्स की पावर को कम करेंगे और साथ दूसरी कीमत ए लिख देंगे फिर उसके बाद अगले टर्म में एक्स की पावर एन माइनस टू से कम होकर एक्स की पावर एन माइनस थ्री बन जाएगा और ए की पावर वन बढ़कर ए की पावर टू आगे इन तमाम टर्मों में हम x की पावर कम करते जाएंगे और a की पावर बढ़ाते जाएंगे तो आखिर में आखिरी टर्म में x की पावर कम होते होते ख़त्म हो जाएगी और a की पावर बढ़ते बढ़ते a की पावर n माइनस वन हो जाएगी तो फैक्टराइजेशन के अमल से ये होता है कि x- माइनस ए और x- माइनस ए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अब कैंसल आउट होने के बाद बाकी हमारे पास क्या आ गया वो हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स की पावर एन नफ़ी वन प्लस एक्स की पावर एन नफी टू है प्लस एक्स की पावर एन नफी थ्री ए की टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की लिमिट ए पुट करेंगे तो ए की पावर एन नफ़ी वन प्लस ए की पावर एन नफ़ी टू इन ए प्लस ए की पावर एन नफ़ी थ्री इन ए की टू प्लस ए की पावर एन नफ़ी वन ए की पावर एन नफ़ी वन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर एन माइनस वन बनेगा इस तरह ए की पावर एन नफी थ्री और ए की पावर टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर एन नफ़ी वन एंड सोन आखिर में फिर ए की पावर एन नफी वन है ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सोन टोटल हमारे पास ये एन दफा लिखा गया है तो अगर आप ए की पावर एन नफ़ी वन को एन दफा लिखेंगे तो एन टाइम्स ए की पावर एन नफी वन बनेगा ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह एक्स प्लस एक्स एक्स को टू टाइम्स लिखेंगे तो टू एक्स बनेगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री टाइम्स लिखेंगे तो थ्री एक्स बनेगा एन टाइम्स लिखेंगे तो एन एक्स बनेगा तो ए की पावर एन नफी वन को एन टाइम्स लिखा गया है तो ये बन जाएगा एन टाइम्स ए की पावर एन नफी वन तो फंक्शन की लिमिट हासिल हुई एन ए की पावर एन नफी वन जब एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर था तो देखें फंक्शन की लिमिट एन ए की पावर एन नफी वन हासिल हो गई जब एन पॉजिटिव इंटीजर लेकिन चूंकि थ्योरम में तो एन एक इंटीजर है इंटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है तो इट मीन कि जब एन नेगेटिव इंटीजर होगा तो इस केस में भी इस थ्योरम को प्रूव पड़ेगा केस नंबर टू सपोज एन एक नेगेटिव इंटीजर है एन इज ए नेगेटिव इंटीजर तो चूंकि एन एक नेगेटिव इंटीजर है तो एन को एक नेगेटिव इंटीजर के बराबर हम फर्ज कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं लेट एन इज इक्वल टू माइनस एम अर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर एन चूंकि नेगेटिव इंटीजर था इसलिए हमने एक नेगेटिव इंटीजर के बराबर इसको पुट कर दिया इसलिए आप इस सवाल में एन की जगह पर माइनस एम पुट कर देंगे लिमिट एक्स अप्रोच अप्रोचिस टू ए, एक्स की पावर एन तो एन की जगह पर पुट कर देंगे माइनस एम माइनस ए की पावर एन एन की जगह पर पुट करेंगे माइनस एम तो m एक पॉजिटिव इंटीजर है उसके साथ जब नेगेटिव लगाते हैं तो ये नेगेटिव इंटीजर बन जाता है अब x की पावर माइनस थ्री को अगर हम वन ओवर x की पावर थ्री लिख सकते हैं तो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव बन जाएगी तो x की पावर माइनस एम को वन ओवर x की पावर m लिख सकते हैं a की पावर माइनस एम को वन ओवर a की पावर m लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए वन ओवर एक्स की पावर एम माइनस वन ओवर ए की पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से का हम एल ले लेते हैं तो एल लेने के बाद बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे एक्स की एम ए की एम ऊपर ए की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम ये एल ले लिया डिवाइड बाई एक्स माइनस ए अब x की m, a की m और ये x माइनस ए ये दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो इसलिए अगले स्टेप में यूं लिखेंगे लिमिट x टू a, a की पावर m माइनस एक्स की पावर m डिवाइडेड बाई x माइनस ए इंटू एक्स की पावर m, a की पावर m। अगर हम a की पावर m माइनस एक्स की पावर m का ऑर्डर तब्दील कर दें यानी x की पावर m को पहले लिख दें और ए की पावर एम को बाद में लिख दें तो नेगेटिव साइन आएगा ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आप ए माइनस बी को बी माइनस ए लिखेंगे तो फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो इस तरह हम a की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम का ऑर्डर चेंज करके जब एक्स की एम माइनस ए की एम लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और बटे के निचले हिस्से में वैसे ही x माइनस ए एक्स की m a की m अब हम x की m माइनस ए की m डिवाइडेड बाय x माइनस इसको हम अलग कर सकते हैं तो माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a x की m माइनस ए की m डिवाइडेड बाय x माइनस फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a वन ओवर x की m इंटू ए की m अब आप यहां पर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि m एक पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये फार्मूला पिछले केस में हम प्रूफ कर चुके हैं तो फार्मूला अप्लाई करने से क्या जवाब आएगा अगर पावर एन होगी तो फिर बनता है एन ए की पावर एन नफी वन लेकिन चूंकि यहाँ एक्स और ए की पावर एम है तो इसलिए बनेगा माइनस एम ए की पावर एम नफी वन तो यहाँ पर तो फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास ये जवाब आ गया और बाकी यहाँ पर अब लिमिट पुट करेंगे एक्स की लिमिट ए इसमें दर्ज कर दें तो वन ओवर ए की एम इंटू ए की एम फिर अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस एम ए की पावर एम नफी वन नीचे ए की एम को ए की एम से मल्टीप्लाई करेंगे ए की टू एम माइनस एम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप जानते हैं डिवाइड करने से पावर माइनस हो जाएगी ए की पावर एम माइनस वन माइनस टू एम अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस एम ए की पावर एम और माइनस टू एम मिलकर माइनस एम माइनस वन और माइनस एम चूंकि एन के बराबर है तो इसलिए माइनस एम की जगह पर हम लिखेंगे एन ए की पावर एन माइनस वन तो फंक्शन की लिमिट एन ए की पावर एन माइनस वन हासिल हुई जबकि एन इस केस में नेगेटिव इंटीजर था इट मीन कि जब एन पॉजिटिव इंटीजर था जब एन नेगेटिव इंटीजर था दोनों केसेस में फंक्शन की लिमिट हमने प्रूव कर ली तब हम कह सकते हैं तस लिमिट एक्स अप्रोच टू है एक्स की एन माइनस ए की एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन वेयर एन इज एन इंटीजर यानी एन पॉजिटिव इंटीजर भी है नेगेटिव इंटीजर भी है तो इन्हीं दोनों केसेस में हमने फंक्शन की लिमिट प्रूफ कर ली दिस इज द एंड ऑफ द थ्योरम।